नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के पहले चरण का हुआ मतदान। बिहार में कोविड-19 के मिले 5 से कम मामले। कोरोना के खतरे पर गंभीर नहीं दिख रही है प्रशासन। नेशनल टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट में पर्यटन मंत्री ने दिया बयान। गया में पितरों को अर्पित पिंडों से बनाई जा रही है जैविक खाद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव के पहले चरण का हुआ मतदान। आज से पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत पहले चरण की वोटिंग आज करवाई गई, जिसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान का आयोजन करवाया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 15,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो गया है। उनमें 858 पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित रहे हैं, जबकि 72 पदों पर किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण में स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद आज शुक्रवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक 11.48 लाख मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ज्ञात हो मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहा। बिहार में कोविड-19 के मिले 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 55 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, पटना में 1, समस्तीपुर में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, शेखपुरा, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,54,930 सैंपल की जांच की गई। वहीं 7 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। नेशनल टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट में पर्यटन मंत्री ने दिया बयान। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके तहत ही टूरिज्म इंडस्ट्री में नई जान फूंकने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने 6th नेशनल टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट 23 और 24 सितंबर को आयोजित किया था। बीते दिन हुए बैठक में बिहार के पर्यटन मंत्री ने भी अपनी सहभागिता दिखाई, जिसके तहत बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में यात्रा और पर्यटन में अपार अवसर है। हमने बिहार में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, गांधी सर्किट, सूफी सर्किट और कई और सर्किट बनाए हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने बांका में मंदार हिल्स में रोपवे का उद्घाटन किया। पहले इसे 1 घंटे में कवर किया गया था, अब 3 मिनट में कवर किया जा सकेगा। ये क्रांतिकारी बदलाव है। बिहार में फ्रेश वाटर की कई झीलें हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत दर्जा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के इस 4-लेन से टोल प्लाजा हटाने की मांग पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही पटना बख्तियारपुर 4-लेन रोड पर दीदारगंज के पास करमाली चौक पर बने टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके तहत पटना बख्तियारपुर 4-लेन पर दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा को हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब दीदारगंज टोल प्लाजा नहीं हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस KM जोसेफ की पीठ ने NHAI की SLP पर यह फैसला दिया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि हाईकोर्ट को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि टोल प्लाजा कहां बनेगा कहां नहीं, क्योंकि टोल म्युनिसिपल सीमा में है तो टोल देना ही पड़ेगा। कॉलेज और सीट कंफर्म करने का अंतिम मौका कल। बिहार राज्य बीएड नामांकन में कॉलेज और सीट कंफर्म करने का अंतिम मौका है, जिसका आखिरी दिन 25 सितंबर यानी कि शनिवार को है। इसके बावजूद शनिवार को अगर कॉलेज और सीट कंफर्म नहीं हुई तो ऐसे उम्मीदवारों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी और तीसरी सूची में उनका नाम नहीं आएगा, उनको सीधे स्पॉट राउंड में ही नामांकन का मौका मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्पॉट राउंड सबसे अंतिम राउंड है और उसमें जिन कॉलेजों में सीट खाली रह जाएंगी वहां संपर्क कर स्वयं अभ्यर्थी नामांकन लेंगे। नीट पेपर लीक मामले में CBI कर रही है ताबड़तोड़ जांच। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने अपनी जांच बढ़ा दी है, जिसके तहत अब तक कई गिरोह का नाम सामने आ चुका है, जिसमें बिहार के कई लोगों के शामिल होने की जानकारी भी मिली है, जिसके बाद से ही CBI की टीम बिहार समेत अन्य राज्यों में पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुट गई है। बिहार से भी कई लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीट UG का आयोजन 12 सितंबर को हुआ था। इससे पहले ही CBI नीट के आयोजन पर नजर रख रही थी, कई गिरोह को सर्विलांस पर ले रखा था, कई कोचिंग संस्थान भी पर थे। अभी भी CBI सभी पहलुओं की तलाश में जुटी हुई है। गया में पितरों को अर्पित पिंडों से बनाई जा रही है जैविक खाद। श्राद्धकर में
प्रेतात्मा को पिंड अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पिंड प्रेतात्मा का आहार होता है। श्राद्ध कर्म में पिंड का काफी महत्व है। ऐसे में पितृपक्ष में पिंडदानी द्वारा बड़ी मात्रा में अर्पित पिंड इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद ही पिंडों को नगर निगम अक्षय वट पिंड वेदी के पास ले जाकर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। मान्यता है कि पिंड प्रेतात्मा का आहार होता है, इसी उद्देश्य से श्राद्ध कर्म में पिंड अर्पित किया जाता है। ज्ञात हो पिंड से जैविक खाद बनाने के लिए 2 मशीनें लगी हैं। इन 2 मशीनों की मदद से यहां हर दिन 500 किलोग्राम जैविक खाद बन रही है। पिंड वेदी पर पिंड को इकट्ठा करने के लिए 10 सफाई कर्मियों को भी लगाया गया है। राजस्व पदाधिकारी बनने के लिए लाखों की नौकरी छोड़ रहे हैं IITN और MNC मैनेजर। 24 सितंबर यानी कि आज तक राजस्व सेवा के लिए चुने गए आधे से अधिक अधिकारी के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अब तक हुई जांच में ये पता चला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए राजस्व सेवा के लिए चुने गए आधे से अधिक अधिकारी इंजीनियरिंग से स्नातक हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। ज्ञात हो हाल ही में बिहार राजस्व सेवा के लिए 566 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनकी सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंपने का काम किया गया है। अभी इनके प्रमाण पत्रों की जाँच की रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्व पदाधिकारी बनने के लिए लाखों की नौकरी IITN और MNC मैनेजर छोड़ रहे हैं। सीएम नीतीश ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में बीते दिन खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सीएम नीतीश के सामने प्रधान सचिव हरजोत कौर ने कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान सीएम नीतीश ने कई अहम मुद्दों पर दिशा निर्देश भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बालू को ही राजस्व का एक मुख्य स्रोत माना है। लेकिन सरकार में आने के बाद से उन्होंने ये कहा कि हमने सभी क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ताओं को बालू आसानी से उचित कीमत पर प्राप्त हो सके, इसके लिए विभाग सतत अनुश्रवण करे ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही वैसे ही कामों को स्वीकार किया जाए जो पर्यावरणीय एवं परिस्थिति के संतुलन में हो। साथ ही आयोजित बैठक में उन्होंने बिहार में ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के पहाड़ों को संरक्षित रखने की बात भी कही है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ की बैठक। बीते दिन केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान विद्युत क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना पर सर्वसम्मति बनाने पर बातचीत की गई। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं को सुविधाजनक और बेहतर बनाने, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, मजबूतीकरण, वित्तीय व्यवहारता जैसे विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान आर के सिंह ने मंत्रियों से अपने राज्यों को कृषि फीडर के सौरकरण के लिए PM कुसुम योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्रियों ने योजना में भाग लेने की इच्छा भी व्यक्त की है। पटना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अफगानी नागरिक, पूछताछ जारी। आज अहले सुबह पटना एयरपोर्ट पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एयरपोर्ट परिसर में अफगान नागरिक मोहम्मद जावेद नियाजी हिरासत में ले लिया गया, जिसे पूछताछ पुलिस कर रही है। जानकारों की माने तो वो मेडिकल ग्राउंड पर भारत आया था और जनवरी से जुलाई तक उसे भारत में रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब तक अफगानी नागरिक ने जो बयान दिया है उसके अनुसार वो दरभंगा अपने दोस्त अरमान के पास आया था और आज वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। इसी बीच CISF की टीम ने आज अहले सुबह उसे पकड़कर स्थानीय थाने के हवाले कर दिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक अफगानी युवक से पूछताछ चल रही थी। नीतीश तेजस्वी को मोदी ने दिया झटका। बिहार में जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश समेत कई प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद सबको इसी बात की उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस मुद्दे में कोई सकारात्मक आदेश सुनाएंगे। हालांकि बीते दिन केंद्र की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद नीतीश तेजस्वी को झटका लगा है, जिसके तहत अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा भी दायर किया, जिसमें कहा गया है कि वो 2021 की जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना का देश नहीं दे। वे केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग ने भी केंद्र सरकार को कहा है कि पिछड़े वर्गों की गणना प्रशासनिक पर मुश्किल है, इससे जनगणना की पूर्णता और सटीकता दोनों को नुकसान होगा। तेज प्रताप यादव ने छोड़ा लालटेन का साथ, अब नई चिन्ह होगी इनकी पहचान। तेज प्रताप यादव और राजद के बीच की खटपट तब शुरू हुई जब जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और तेज प्रताप कुछ नहीं कर पाए थे, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव की राजनीति की धारा दूसरी दिशा में बढ़ने लगी थी। हालांकि तेज प्रताप तो इस बात से इनकार करते आए हैं कि उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है, लेकिन संगठन बनाने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। संगठन का नाम छात्र जनशक्ति परिषद है। इन सबके बीच अब तेज प्रताप यादव ने नया चिन्ह भी अपना लिया है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनके समर्थक अब बांसुरी बजाएंगे और बांसुरी चिन्ह को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। कोरोना के खतरे पर गंभीर नहीं दिख रही प्रशासन। कोरोना के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार भले ही बार बार लोगों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य विभाग से तैयारी ठोस करने की अपील कर रही
रही हो, लेकिन सरकार के बार बार कहने के बावजूद कोरोना के खतरे पर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दूसरे प्रदेशों से बिहार आने वाले रेल यात्रियों के लिए स्टेशन पर कोरोना जांच अनिवार्य है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण यात्रियों की जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। पटना जंक्शन पर 24 स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर बाहर से आने वाले हजारों रेल यात्रियों की कोरोना जांच की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर निकलने के 4 रास्ते हैं। ऐसे में दूसरे गेट से यात्री बिना कोरोना जांच के ही निकल जाते हैं। वेंकटेश अय्यर ने बदली कोलकाता की किस्मत। बीते दिन केकेआर और मुंबई के बीच खेले गए मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फेज में संघर्ष करती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे फेज में पहले दो मैच में टीम ने जो प्रदर्शन किया उसने सबको चौंका दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाद केकेआर ने मुंबई इंडियंस को धोया और पॉइंट टेबल में टॉप 4 में शामिल हो गई है। पिछले दो मैच में केकेआर ने जिस तरह से एक तरफा जीत दर्ज किया उसमें एक खिलाड़ी का बड़ा हाथ रहा है और वो है सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर। IPL डेब्यू मैच में 27 गेंद पर 41 रन बनाकर नॉट आउट लौटने वाले अय्यर ने दूसरे मैच में गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 30 गेंद पर 53 रनों की शानदार पारी खेली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के निकले किस क्रिकेटर्स में आगे देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।